दोस्तों, क्या आपका घर पंजाब स्टेट में है, पंजाब में है? यदि आपका घर पंजाब में है तो आपको बिजली बिल जरूर आता होगा। तो क्या कभी आपने अपने बिजली बिल को ध्यान से चेक किया है? देखिए, यहाँ पर एक मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। तो क्या आपका बिजली बिल के ऊपर मोबाइल नंबर लगा हुआ है? यदि आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर लगा है तो अच्छी बात है। यदि गलत किसी का लगा हुआ है तो आप उसे फटाफट चेंज कीजिए। यदि यहाँ पर आपका खाली है, मोबाइल नंबर नहीं लगा है, तो चलिए आपको बताता हूँ किस तरह से आप ऑनलाइन मोबाइल नंबर रजिस्टर कर सकते हैं अपने बिजली बिल के अकाउंट के ऊपर। अभी तो फिलहाल फ्रेंड्स, आप ऑनलाइन मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं बिजली बिल अकाउंट के ऊपर, लेकिन ऐसा ना हो कहीं कि आगे चल के आपको बिजली दफ्तर में लाइन लगाना पड़े मोबाइल नंबर चेंज कराने के लिए। तो चलिए आपको पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ। तो देखिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को क्लिक कीजिए और सीधे आप इस वेब पेज पर आ जाएंगे। जैसे आप वेब पेज को ओपन करेंगे, यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए बॉक्स बॉक्स में आपको अपना बिजली बिल का अकाउंट नंबर टाइप करना है। तो मैं यहाँ पर बिजली बिल अकाउंट नंबर टाइप कर लेता हूँ। अकाउंट नंबर टाइप करने के बाद में आप गेट डिटेल पर क्लिक कीजिए। जैसे आप गेट डिटेल पर क्लिक कीजिएगा, किसके नाम से बिजली बिल है आपको शो करने लग जाएगा। और नीचे यदि मोबाइल नंबर लगा है तो अच्छी बात है, यदि नहीं लगा है तो आप चेंज कीजिए, किसी और का लगा है तो भी आप चेंज कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर पैन का ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। यदि आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर दोनों अपडेट करना है तो दोनों पर क्लिक करिए बारी बारी से, लेकिन मुझे सिर्फ मोबाइल नंबर अपडेट करना है। तो मैं यहाँ पर मोबाइल नंबर को साइड में देखिएगा, यहाँ पर पेन है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा, देखिए यहाँ पर टाइप करने का ऑप्शन आ गया। मैं इस पर क्लिक करके और टच करके और अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। मैंने टाइप किया, टाइप करने के बाद में आप नीचे आइएगा तो देखिएगा सेंड ओटीपी का ऑप्शन है, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो फ्रेंड्स, देखिए कि जैसे मैं ओटीपी टाइप करने के बाद में वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक किया तो लिख दिया सक्सेस, कॉन्टैक्ट डिटेल फॉर इतना हैज़ बीन अपडेट, मतलब कि आपके अकाउंट पे कॉन्टैक्ट नंबर अपडेट हो गया है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा हुआ कि मुझे 2-3 बार ओटीपी रिसेंड करने पड़ा। रिसेंड ओटीपी करने के लिए आपको फिर से इस पेन पे क्लिक करना होगा और सेंड ओटीपी पे क्लिक करना होगा, यदि आपको पास एक बार में ओटीपी नहीं आता है तो। तो इस तरह से आप 2-3 बार ओटीपी सेंड करके अपने बिजली बिल के ऊपर मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार चेक कर लेता हूँ इस पर कि अपडेट हुआ कि नहीं। तो मैं इस पर अकाउंट नंबर टाइप करता हूँ, अपना मोबाइल नंबर टाइप सॉरी अपना अकाउंट नंबर टाइप करता हूँ बिजली बिल का और गेट डिटेल पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर साफ साफ लिख के आ गया। तो इस तरह से यदि आपके पास अगले मंथ का बिजली बिल आएगा तो बिजली बिल के ऊपर आपको मोबाइल नंबर लग कर आएगा, साथ में बिजली बिल आते ही आपके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाएगा। और जैसे आप बिजली बिल पेमेंट कराइएगा, जमा कराइएगा, वैसे भी आपके मोबाइल पर एक मैसेज आ जाएगा कितना बिजली बिल जमा हुआ नहीं हुआ। तो इस तरह से काफ़ी फ़ायदा हो जाता है कि आपको टाइम टू टाइम, मंथ बाई मंथ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहता है मोबाइल पर आपका पेमेंट के बारे में, आपका रिसिप्ट के बारे में। तो फ्रेंड्स, बताइए कि आप लोगों को यह इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।